नागपुर कस्बे में पिंकी नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो कस्बे में एक मदरसे के बाहर बर्गर कचौड़ी बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। मदरसे की छुट्टी के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौड़ी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौड़ी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे बच्चे कचौड़ी बर्गर बड़े ही मजे से खाते थे। इतना ही नहीं, उस कस्बे के लोग भी वो कचौड़ी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे दो प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों के कचौड़ी बर्गर देख कर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। शुक्रिया काका। मदरसे के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बर्गर बेचा करती थी। उनकी बिक्री बहुत कम होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बेहद जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है, सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौड़ी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार अम्मी का ख्याल रखती थी। जानती है अम्मी, आज मेरे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाकर लोगों ने बेहद तारीफ की और मेरे सारे कचौड़ी बर्गर बिक गए। ये तो बेहद अच्छी बात है। मैं मालिक से दुआ करूंगी कि तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी दवाखाना में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसकी वजह से वो कचौड़ी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपने दुकान की तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौड़ी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रेखा दीदी, कचौड़ी बर्गर दे दो मुझे एक प्लेट। अभी देती हूँ, जरा रुक जा। उसकी हाथ के कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौड़ी बर्गर बनाई है, ऐसी कचौड़ी बर्गर खाके तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसे कचौड़ी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी को पसंद नहीं आए। उधर पिंकी की अम्मी ठीक होकर घर वापस आ जाती हैं और पिंकी दूसरे ही दिन कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ के कचौड़ी बर्गर खाए बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौड़ी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे कस्बे वाले और सारे बच्चे वहाँ कचौड़ी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी ने नहीं खाए। और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर ऐसी भीड़ लग गई, इसे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो मौका देखते ही पिंकी के कचौड़ी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को कस्बे के लोग वहाँ से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बेहद खुश हो जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौड़ी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं अपनी अम्मी का इलाज कैसे कराऊंगी, मेरा कचौड़ी बर्गर तो कोई लेगा ही नहीं। ऐसा इस कचौड़ी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया। एक बाबा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के करीब आते हैं। बेटा, मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर मैं आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे करीब आ गया। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए हैं, ये लीजिए, आप कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बाबा को पिंकी का रवैया बेहद अच्छा लगता है और वो बाबा उस कचौड़ी बर्गर को देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज मैं कचौड़ी बर्गर नहीं बेच पाई, मेरी कचौड़ी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है,
जिसकी वजह से लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौड़ी बर्गर में मिलावट? तुम मुझे जरा खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौड़ी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौड़ी बर्गर अपनी अम्मी को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौड़ी बर्गर उसकी अम्मी खाती है, उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ, ना ही मेरी तबीयत बिगड़ी। क्या अम्मी, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। पिंकी, जरा कचौड़ी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौड़ी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है, और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारे कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात कस्बे में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है, और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौड़ी बर्गर खा के देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। रेखा कचौड़ी बर्गर जैसे ही खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौड़ी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ में नहीं आती। अगले दिन बाबा पिंकी के पास फिर से आते हैं। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे बाबा, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे, और कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बाबा एक परी के रूप में आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन हैं? हाँ पिंकी, मैं बाबा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी शराफत देखकर मैं बेहद खुश हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे कचौड़ी बर्गर को एक जादुई कचौड़ी बर्गर के रूप में बदल दिया था, जिससे जो भी शरीफ इंसान वो कचौड़ी बर्गर खाएगा, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बेहद खुश हो जाती है और शुक्रिया कहती है। वो जादुई कचौड़ी बर्गर से अपनी अम्मी और सारे लोगों की बीमारी ठीक करती है।